अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रबीका को एक रेसिपी। क्या हाल है मेरी प्यारी प्यारी बहनों के? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, मजे में होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और मजे में हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक जबरदस्त सी, बहुत ही स्पाइसी, जो हॉट एंड सॉस स्पाइस में बनेगा, तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ खूबसूरत से चिकन के विंग्स। आज मैं आपको अपनी रबीका जो है रेसिपी शेयर करेंगी हॉट एंड स्पाइसी विंग्स के। तो चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं 1 किलो विंग्स। इसको पहले सब वॉश कर लिया है, अच्छे से इसकी सफाई कर ली है। फिर इसको हम ड्राई करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आपके पास ये रोल होगा, टिश्यू रोल, जो किचन में आप यूज करते हैं। बस हम इसको इस पे रखेंगे और हम इसके सारा जो वाटर है टिश्यू में एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये आप जरूर ये प्रोसेस करिएगा क्योंकि इसको गीला नहीं होना चाहिए। ये टिश्यू के अंदर, इसके विंग्स के अंदर जो हमने वॉश किया था पानी जो रह गया है, ये अच्छे से टिश्यू सोक कर लेगा, इसका सारा मॉइस्चर जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। टिश्यू, अगर टिश्यू नहीं है तो आप कोई सा भी, किसी भी कपड़े से आप इसका जो है मॉइस्चर निकाल दीजिए। गीलापन जो है बिल्कुल ड्राई होने चाहिए ये। बस इसको मैं 2 मिनट तक रखूंगी। अब जो है इसकी विंग्स की हम मैरिनेशन तैयार करेंगे। आपके पास ये कोई से भी आप डिस्पोजेबल बॉक्स ले लीजिए या बैग्स हैं आपके पास ले लीजिए, मगर इसके कवर के साथ, इसके कवर जरूरी है। हमने लिया है सबसे पहले 1 कप भर कर मैदा हम इसमें डालेंगे। ये मैं विंग्स की कोटिंग तैयार कर रही हूँ। फिर इसमें ही अगर हमने 1 कप मैदा लिया है तो 1/2 कप जो है इसका रेशो होगा कॉर्नफ्लावर का। हम 1/2 कप कॉर्नफ्लावर लेंगे। हमने 1 बड़ा चमचा 1 टेबल स्पून जो है आपका इसमें लिया है चिकन पाउडर। ये बहुत अच्छा और बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर इसमें ऐड हो जाएगा। चिकन जो पाउडर है आप ऐड करिएगा। फिर इसमें 1 टीस्पून जो है मैंने बेकिंग सोडा यूज किया है। फिर इसमें जाएगा नमक जी, इसमें नमक जाएगा भर कर 1, ये 2 ही टेबलस्पून है, ये पूरा 2 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड हो जाएगा। इसमें 1 टेबलस्पून जो है वाइट पेपर, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और 1.5 टेबलस्पून रेड चिली, ये जाएगा। बस इसको जो है, इस पाउडर को हम अच्छा सा जबरदस्त सा जो है मिक्स करेंगे। और एक चीज इसमें और ऐड होगी, ये देखिए, इसमें आप पेस्ट मत डालिएगा, हम ड्राई में बना रहे हैं तो आप ड्राई ही लहसुन पाउडर लीजिएगा। ये बड़ा अच्छा इसमें लहसुन का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। बस इसको हम जबरदस्त सा जो है मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे कि हमारा नमक, मिर्च, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर अच्छे से इस पाउडर में मिक्स हो जाए। ये देखिए, इसको आप किसी बाउल में भी कर सकती हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपके पास ये डिस्पोजेबल बॉक्स नहीं है या आप कोई भी ऐसा जिपर ले लीजिए प्लास्टिक का, और अगर वो भी नहीं है तो आप कोई सा भी कंटेनर ले लें या आप बाउल ले लें, उसमें भी आप ये मिक्सचर बना सकती हैं मैदे का। ड्राई में बनेगा, पहले ही बता रही हूँ, हर चीज ड्राई बनेगी। ड्राई की कोटिंग कर रहे हैं हम। देखिए ये 1 बाय 1 मैं इसमें विंग्स रखती रहूंगी। ये बिल्कुल ड्राई हमने कर लिए थे, इसका जो पानी वानी इसमें लगा हुआ था हम इसका पूरा मॉइस्चर निकाल लिया था हमने। ये देखें जबरदस्त सा इसको जो है, ये देखिए, कहीं आपका नहीं उड़ेगा नहीं, और इसके ऊपर
जबरदस्त सी जो है हमारी कोटिंग तैयार हो जाएगी। बस जो हमारा एक्स्ट्रा पाउडर होगा, मैदा होगा, वो मैं निकाल लूंगी। ये देखें, बस ना आपके हाथ खराब होंगे इससे, ना आपको चमचों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बस आपने इसका कवर ओपन किया है, ये देखें जो एक्स्ट्रा इसमें पाउडर है, जो भी एक्स्ट्रा इसमें सब चीजें लगी हैं, ये देखें बिल्कुल ड्राई हैं। ये देखें बस इसको हम फिर फ्राई के लिए रख देंगे। और इसको उठाएं, ये देखिए जबरदस्त सा ये कोटिंग हो गया है। ये देखिए ये देखिए जबरदस्त सा हमारा मैदे में कोटिंग हो गया है। ये ऐसे ही मैं नेक्स्ट आपको सारे इसी तरीके से मैं सब कोट करूंगी, फिर मैं आपको सब कोट करके इसमें आपको दिखाती हूँ। बस देखें, एक हमने पैन लिया है, उसमें मैं ऑयल डीप फ्राई करूंगी विंग्स को। तो आप इसमें अच्छा सा डीप फ्राई के हिसाब से आप ऑयल लीजिएगा कि हमारे विंग्स डिप हो जाएं। ये देखिए बस देखें, ये अच्छे से ऑयल गरम हो गया है। बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करिएगा, मीडियम फ्लेम रखिएगा। मैंने इसको जो है कोटिंग करे हुए, मैरिनेट करे हुए जो आधा घंटा हो गया है। बस अब देखें इसको मैं फ्राई करूंगी जो है, वन बाय वन हम उठाएंगे। जो पाउडर वेस्टेज है वो आप इसको छान अच्छे से गिरा के हिला के फिर आप अपने इसमें फ्राई में फ्राई करिएगा ऑयल में। ये देखें जबरदस्त सा जो है ऑयल जो है गरम था, देखें इसकी बबल्स आने लगे हैं फौरन डालते हुए। अगर आपका ये गरम नहीं होता तो ये बैठ जाता एक जगह। बस मैं इसी तरीके से ये विंग्स अब फ्राई करूंगी, एक मिनट के लिए एक को एक साइड करूंगी, मैं दूसरे मिनट के लिए दूसरी साइड। बस फ्राई करके मैं निकालूंगी, ये देखें जबरदस्त से हमारे मीडियम फ्लेम पे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। फिर मैं इसका जो स्पेशल जो मेरा हॉट एंड सॉस जो सॉस है इसका, जो इसके ऊपर कोटिंग करेंगे, फिर मैं इसका वो सॉस बनाऊंगी। ये देखिए जबरदस्त से माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे चिकन विंग्स बिल्कुल रेडी हैं। हमने एक से डेढ़ मिनट एक साइड पकाई है, एक से डेढ़ मिनट ये सेकंड साइड फ्राई करी है। बस इसको मैं डिश आउट करूंगी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त से हमारे, ये देखें जबरदस्त हमारे चिकन विंग्स रेडी हैं। आप अगर चाहें तो एज इट इज भी खा सकते हैं, और चाहें तो इसका अभी मैं सॉस जो तैयार कर रही हूँ वीआईपी सॉस है, आप जरूर आप ट्राई करिएगा। बहुत मजे के बहुत डिलिशियस हमारे विंग्स रेडी होते हैं। ये देखें जबरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। और लास्ट पीस को भी मैं निकालूंगी, ये देखें आ रहा है ना सबके मुंह में पानी। अभी इससे ज्यादा आप लोगों के मुंह में पानी आएगा जब इसका जो है हॉट एंड सॉर सॉस तैयार होगा। और बच गए थे, मैं इसी तरीके से वन बाय वन करके सब फ्राई करूंगी। ये देखिए ये देखें जबरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। एक साइड को हम एक से डेढ़ मिनट के लिए करेंगे, फिर सेकेंड साइड भी एक से डेढ़ मिनट के लिए फ्राई करेंगे, क्योंकि ये हमने आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर दिए थे इसको। और अगर आप एक डेढ़ घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे तो इसका जो मसाला है बहुत जबरदस्त सा अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। अभी भी ये जबरदस्त सा जो है इसमें मसाला कोटिंग हो चुका है, आपके सामने है। आपको इसकी साउंड जो है ये देखें कितना क्रिस्पी है माशाल्लाह। ये देख रहे हैं आप इसका साउंड जबरदस्त। तो अब आते हैं आप इसकी में सॉस की तरफ। सॉस बनाने के लिए विंग्स का सॉस हम तैयार कर रहे हैं। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून बटर यूज किया है, और इसको हल्का सा मैं मेल्ट करूंगी। ये देखिए खूबसूरत, वही मेरा तरीका कि बटर को डालते वक्त थोड़ा सा मैं 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूंगी कि बटर हमारा जल ना जाए। ये देखिए जबरदस्त सा बटर हमारा इसमें हो गया है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 3 to 4 जो है लहसुन के क्लोव्स, मैंने चॉप करके डाले हैं फाइन।
बस ये देखें बटर में लहसुन, ये जबरदस्त माशाल्लाह। बस हल्का सा सौते करेंगे, ये सारा फ्लेवर इसका निकल के बटर में मिक्स हो जाए, और ये जो इसकी खुशबू है प्यारी प्यारी सी माशाल्लाह माशाल्लाह से बड़ी ही प्यारी लगती है लहसुन में बटर की स्मेल। बस ये देखें लाइट सा हमारा होने शुरू हो गया है। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें 2 टेबल स्पून सोया सॉस। हम फ्लेम को स्लो कर देंगे सॉस डालने से पहले। इसमें मैं डालूंगी चिली गार्लिक सॉस, इसमें 2 टेबल स्पून चिली सॉस, क्योंकि हॉट एंड सॉर है तो चिली सॉस तो मस्त है। फिर आपका इसमें जा रहा है, इसमें मैं डालूंगी 4 टेबल स्पून, इसमें ये बारबेक्यू सॉस है। ये जब सॉस एक दूसरे से मिलते हैं तो बड़ा ही टेंगी सा फ्लेवर आएगा इसका, और ये बड़ा जबरदस्त और खट्टा मीठा हॉट एंड सॉस जैसे इसका नाम है ये बनेगा। बस हम इस पर फ्लेम अभी स्लो ही रखेंगे, क्योंकि हम अभी सॉसेस हमारे खत्म नहीं हुए हैं। इसमें जाएगा मस्टर्ड पेस्ट, इसमें 1 टेबल स्पून में मस्टर्ड पेस्ट का डालेंगे हम। फिर इसमें जाएगा ऑस्ट्रिच सॉस, जो बहुत ही जबरदस्त सॉस होता है। मैं दो तीन आपको डिप भी तैयार करके दिखाऊंगी मायोनीज में इसमें। और ये देखिए साशा का हॉट एंड चिली सॉस, क्योंकि हम बनाई ही हॉट एंड सॉस रहे हैं, ये भी हम 1 टेबल स्पून डालेंगे। बस ये हम सारे सॉस मिक्स करेंगे, बड़ा ही हॉट एंड हॉट लग रहा है ये। बस जबरदस्त मिक्स हो गया ये हमारा। देखिए इसमें 1/2 टीस्पून, बिल्कुल हाफ जो है सॉल्ट ऐड किया है, और 2 टेबल स्पून ब्राउन शुगर, क्योंकि खट्टा मीठा हॉट एंड सॉर थोड़ी सी स्वीटनेस भी इसमें अच्छी लगेगी। बस अब ये देखें कैरेमल सा हमारा सॉस रेडी हो जाएगा माशाल्लाह से। ये देखिए हल्का सा इसमें जैसे बस ये देखिए, बस इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे सारे जो सॉसेस का, जो थोड़ा सा जो आपका कहना चाहिए कच्चा फ्लेवर है वो पक जाएगा ये जबरदस्त सा। बस इसके अंदर जो है मैं फ्राई किए हुए विंग्स इसमें ऐड करूंगी, जो टॉसिंग करेंगे हम इसमें। बस मजेदार सा ये हॉट एंड सॉर जो इसका सॉस है रेडी है। लास्ट में हम ये जो है 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स के ऐड करेंगे, और अब मैं इसी में जो है विंग्स आपको डाल के दिखाती हूँ। बस इसका फ्लेम ऑफ कर दें, ये हमारा जो है कैरमल सा जो है हॉट एंड सॉर जो है सॉस रेडी हुआ है वो जल ना जाए। बस इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्लेम ऑफ कर देंगे। बस देखें ये सॉस बिल्कुल देखें कैरेमल सा माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त सा, और जो फ्राई किए हुए हमारे विंग्स थे हम पूरे इसमें ऐड कर देंगे। और ये सॉस में बस मैं मिक्स करूंगी अच्छा सा ये देखिए बस ये देखें मजेदार से ये पूरे सॉस में हमारे डिप हो चुके हैं हॉट एंड सॉर जबरदस्त माशाल्लाह से। हम इसको बस 2 मिनट के लिए इसी सॉस में रहने देंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही हमें करना है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह क्या लुक आई है ये। बस अब मैं इसको, आप इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई करिएगा, ये आपके लिए एक बड़ी, जो आप बाहर जाके खाते हैं अब आप अपने घर में ज़रूर बनाएं, और अपने सारे फैमिली को बच्चों को ज़रूर चखाएं कि एक नई डिश में आपके लिए आपका इजाफा हो गया है। और ये बहुत मज़ेदार लगते हैं, और ख़ासकर तो बच्चे तो इसको बहुत शौक से खाएंगे।
इसका जबरदस्त सा फ्लेवर। और अगर जैसे आपको इसमें नहीं करना, बगैर सॉस के भी हमने रखे हैं क्योंकि इसका जायका इसमें भी बड़ा बेहतरीन होता है। तो बस हम मिलते हैं इसको डिश आउट के बाद। क्रिस्पी विंग्स के लिए जो हमने सिर्फ फ्राई करे हैं इसको बगैर सॉस के, जो हमारे जबरदस्त से ये हैं बने हैं। इसका जो है मैं आपको बताऊं कितने क्रिस्प इसकी है, ये देखिए इसके स्किन से आपको अंदाजा हो रहा होगा, बड़े जबरदस्त सी इसकी कोटिंग और इसकी जो क्रिस्पीपन है बड़ा अच्छा है। इसके लिए मैं सॉस रेडी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं लूंगी इसमें चिली गार्लिक सॉस, ये अब मैं इसमें डालूंगी म्यूनीस, फिर डालेंगे हम इसमें मस्टर्ड पेस्ट सिर्फ 1 टीस्पून, एंड लास्ट में जबरदस्त सा हमारा 1 टीस्पून क्रीम चीज। बस देखिए इससे जो है हम जबरदस्त सी सॉस रेडी करेंगे, उसको हम मिक्स करेंगे। ये देखिए ये जबरदस्त से हमारे उल्टा से काम नहीं हो रहा, सॉसी विंग्स बिल्कुल रेडी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए। और जो इसका कैरेमल वाला हॉट एंड सॉस है ये मैं ऊपर से इसमें डाल दूंगी। बस अपने